हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गोहाना के मेन बाजार में आयोजित कार्यक्रम में सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए, तो वहीं राज्य मंत्री सुभाष सुधा विशेष रूप से पहुंचे। इसके बाद गोहाना रोहतक गेट पर मौजूद श्री खाटू श्याम के दर्शन कर बड़ौली ने आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क के दौरान जिंद सफीदो रोड पर आयोजित चुनाव प्रचार कार्यक्रम में हर हर मोदी घर घर मोदी के जोरदार नारे लगाए। लोगों ने फिर से मोदी सरकार बनाने का वादा किया। जीत करते हुए वो जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, ये देश राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भारत की जो साख बनाने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो सबको सम्मान देने का काम किया है, तो मैं आज सबसे निवेदन करूंगा कि 25 मई को जो चुनाव का दिन है उसमें भारतीय जनता पार्टी कमल के सुर का बटन दबा के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए, इस प्रकार की अपील मैं आप सबसे करते हुए और अबकी बार 400 बार जो एक नारा पूरे देश में चला है, तो एक बार सबसे निवेदन करूंगा सभी नारा लगाएंगे, अब की बार तीसरी बार और एक मोदी जी ने राम राम भी आपके लिए। दूसरी ओर रोहित रमेश बंसल की ओर से आयरन स्टोर पहुंचने पर मोहनलाल बड़ौली का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने मार्केट के सभी दुकानदारों से वोट देने की अपील की। सोनीपत क्षेत्र की पुरानी अनाज मंडी दीवान पार्क कच्चे क्वार्टर में भी जनसंपर्क के दौरान श्री कृष्ण मंदिर सुदामा नगर हनुमान नगर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बड़ौली ने लोगों के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों और लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र का जिक्र किया। सभी ने उत्साह के साथ अब की बार भी मोदी सरकार के नारे लगाए और पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। सोनीपत की लक्ष्मण कॉलोनी श्री बालाजी दरबार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर मोहनलाल की धर्मपत्नी गीता देवी और जिला पार्षद बबीता त्रिभुवन समेत पार्टी की अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।